हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेशन अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, अब बारी है अपने नेक्स्ट चैप्टर की। और हमारा जो अगला चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो आप देखिए, यहाँ से एक फिजिक्स अपना एक नया रोल ले रही है। फिजिक्स एक नए दूसरे चैप्टर की ओर टच करेगी, एकदम नए तरीके से बदल जाएगी। अभी तक जो आपने फिजिक्स देखी है उसमें आपने देखा वेलोसिटी, मोशन, है ना, आपने पूरी प्योर एक तरीके से मैकेनिक्स पढ़ी है जिसमें आपको फोर्स और पूरे तरीके से देखने को मिले हैं। अब आप पढ़ेंगे मटेरियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ, तो अब आपके पास जो है मटेरियल, आपको पूरे तरीके से एक तरीके से मटेरियल साइंस पढ़ने को मिल रहा है। तो मटेरियल में आपको पता है कि मटेरियल में जो आपके पास होते हैं वो होता है सबसे पहले सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? फिर होते हैं आपके पास क्या? लिक्विड। और फिर क्या होते हैं? गैस। तो बच्चों, लिक्विड और गैस जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फ्लूड। क्या बोलते हैं? फ्लूड, क्योंकि बह सकते हैं ये, अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सॉलिड जो है बिना आपको मोशन दिए नहीं जा सकता, बिना उसकी स्टेट में, मतलब उसको फोर्स दिए बिना। मगर लिक्विड और गैस जो होते हैं उनके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको फ्लूड कहा जाता है। तो हम लोग अब मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। एक तो सबसे पहली अपनी सॉलिड मैकेनिक्स शुरू होने वाली यहाँ पे, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मतलब यहाँ पर सॉलिड की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि सॉलिड जितने भी आपके संसार में हैं उनकी अंदरूनी प्रॉपर्टी क्या है। अगर उन पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब यदि उन पर फोर्स लगाया जाए, दुनिया के किसी सॉलिड पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ये आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अगले चैप्टर आपके क्या रहेंगे? लिक्विड एंड गैस। तो वो जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा फ्लूड मैकेनिक्स। क्या नाम रहेगा? फ्लूड मैकेनिक्स। दो चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लिक्विड और गैस में अगर फोर्स लगाते हो तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो ये दो चैप्टर आप लिक्विड और गैस के लिए आएंगे, तब देखा जाएगा। मगर फिलहाल बात करेंगे सॉलिड की, कि सॉलिड में, सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, या सॉलिड में फोर्स लगाया जाए तो कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो सब एक, इसके पहले आगे पढ़ने के पहले मैं बता दूं कि एक होता है कि मटेरियल के दो एटम के बीच में इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस के बीच का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस फोर्स ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस फोर्स ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस फोर्स ग्राफ, है ना, इस तरीके का ग्राफ हुआ करता है। ये थोड़ा सा इस तरीके से जाया करता है। ये डिस्टेंस है और ये क्या है? फोर्स है। फोर्स कौन सा है? इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स। पहले आप इस ग्राफ को समझ जाइए। आपको डिफरेंट बुक में जो भी जो पढ़ाऊंगा एसएल अरोरा, उसमें ये ग्राफ दिया है बड़ी खूबसूरती से। अब आप इस चीज को समझिए। यहां से चलिए इस डिस्टेंस से, एक्स जीरो से चलिए। ये डिस्टेंस क्या है? एक्स जीरो, समझे ना। ये इक्विलिब्रियम है। कौन सी डिस्टेंस है? इक्विलिब्रियम। जैसे समझिए कि आपके घर में आप हो और आपकी सिस्टर या भाई जो भी है, इनके दो स्टडी टेबल हैं, दो स्टडी टेबल हैं। दोनों भाई बहन अपने स्टडी टेबल में बैठ करके पढ़ रहे हैं। एक फिक्स डिस्टेंस है इनके बीच में एक्स जीरो। ना इसकी आवाज इसे सुनाई दे रही है, ना इसकी आवाज इसे सुनाई दे रही है। भले कमरा एक है मगर दोनों भाइयों की आवाज एक दूसरे को सुनाई नहीं दे रही है। दोनों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है एक दूसरे के कारण। किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, देयर इज नो टेंशन एट ऑल, है ना, फ्रॉम बोथ ऑफ देयर स्टडीज। सो भाई, इनकी डिस्टेंस एक्स जीरो है, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा और कोई लड़ाई नहीं होगी। बोलो हाँ जी, क्लियर। ये नॉर्मल आपकी जिंदगी में भी फिट होता है। एक आप सबसे एक फिक्स डिस्टेंस लेकर के आप चलते हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल सही चलती है। सबकी एक पर्सनल रिजर्व लाइफ है, उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही फिट ग्राफ है। इस ग्राफ को बहुत आप, मैं अच्छा मानता हूँ, आप भी अच्छा मानेंगे। सो ये एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस डिस्टेंस को कम करेंगे, आपने फ्रेंडशिप सर्कल में महसूस किया होगा ये, बिकॉज एज यू आर ऑल इन एडोलसेंट स्टेट, तो ये आपके बहुत ऑब्वियस है, ये चीज़ बहुत ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस, ये लाइफ का ग्राफ है। अगर आप इस डिस्टेंस को कम करते जाएंगे, सो बाई ह्यूमन नेचर दो लोगों की टेंडेंसी कभी एक जैसी नहीं हो सकती है, तो आप दोनों के बीच में फोर्सेस बढ़ते जाएंगे। और पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या हो जाएगा भाई साहब?
फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर आप एक जो एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उसको कम कर रहे हो, ये देखो आपने कम करी, ये देखो फोर्स बढ़ना शुरू हो गया। बोलो होता है ऐसे कि नहीं होता है? होता है ना, आपने डिस्टेंस वही स्टडी टेबल पास में आ गया, अरे तुम धीरे बोलो, मैं धीरे क्यों बोलूं, तुम धीरे बोलो, अपना टेबल मत हिलाओ, डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसी बातें होने लग गई। तो ये फोर्स क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। और पास में आते गए, चिपका लिया टेबल को, है ना, हाथापाई शुरू हो गई, फोर्स बहुत ज्यादा हो गया। फोर्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा। जितने क्लोज में आएंगे इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब ये कोई सॉलिड है, सॉलिड के इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल एक निश्चित डिस्टेंस हुआ करती है, अगर वो पास में आएंगे तो उनके बीच का रिपल्सन क्या हो जाएगा, बहुत हाईली रिपल्सन हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए सब अपनी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहा करते हैं, है ना। ये बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है जो एटम के बिहेवियर को देखा गया है। अब देखिए, अब दूर ले जाइए, अब दूर ले जाइए, आपका दोस्त जो है, अगर आपसे एक जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस थी, एक बढ़िया दोस्त है या आपके फैमिली का मेंबर है, फैमिली का मेंबर ही मान लो, क्योंकि सारे के सारे एक ही लैटिस के एटम हैं, है ना। तो यदि ये दूर जा रहा है तो आपका क्या डेवलप होगा, नेगेटिव फोर्स। क्या डेवलप होगा, मतलब अट्रैक्शन। क्या डेवलप होगा, नेगेटिव फोर्स। मैंने बताया था फोर्स नेगेटिव यानी अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन डेवलप होगा। और दूर जाएगा और अट्रैक्शन हो गया, बोलो जी, और दूर जाएगा, एक लेवल तक अट्रैक्शन हो गया, क्लियर है, एक लेवल तक भी अट्रैक्शन बढ़ेगा कि इतनी दूरी है कि आपके रीच में है, वो कहां पर है, वो रीच में। अब आपका दोस्त जो है इंडिया से पहले श्रीलंका चला गया, रीच के बाहर जाने लग गया, कहां चला गया, श्रीलंका चला गया, श्रीलंका से होकर के वो यूएई अरब एमिरेट्स चला गया, फिर भैया वहां से वो जर्मनी निकल लिया, समझ गए ना, जर्मनी के आगे वो इटली रोम चला गया, ठीक ना, और ना जाने फिर कहां कहां वो चला गया, आपको खुद नहीं पता। तो आपकी जिंदगी में अब उसकी कोई अहमियत नहीं है, कितने दोस्त आए कितने दोस्त गए, और बताइए फोर्स आपका कितना हो गया, जीरो। ऐसे ही एक एटम तब तक फिक्र करेगा भैया जब तक तुम मेरी नजर में हो, अब तुम एक एटम को रख दिए यहां और एक एटम चला गया इनफाइनाइट पे, तो इनके बीच का फोर्स कितना हो गया, जीरो। समझ में आया बेटा, तो ये इनका एटम के बीच के फोर्स का एक रिलेशन है, ठीक है बेटा। हम इसी रिलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, और हम जब पार्टिकल के ऊपर, जब कोई मैटर के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो बहता है, वो मतलब उसके अंदर अलग अलग चेंजेस आएंगे, अलग अलग चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। बहुत देर तक, काफी देर तक वो फिक्र करेगा, पहले रिपल भी करेगा, पहले क्या करेगा, अगर आप जरूरत से ज्यादा दबाओगे तो क्या करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा, जरूरत से ज्यादा दबाओगे तो रिपल करेगा। देखा होगा आपने रबर को प्रेस करके, रबर को प्रेस किया, रबर को, इरेजर स्कूल का, वो वापस अपनी स्टेट में आ जाता है ना। जैसे बस में बैठने में थोड़ा संभल के तो बैठो जी, आराम से बैठो, काहे ऊपर चढ़े जा रहे हो, हाँ है ना, बोलते हैं ना, भाई में बैठता है अपने ऊपर चढ़ जा रहा है, छोटे बच्चे हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, ढंग से तो बैठो, पढ़ने दो, दबाए दे रहे हो, है ना। तो वही बात है, जब ये हुआ, दूर जाने की बात हुई तो अब दूर ना जाओ, क्यों भाई साहब, वो वाली भी बात है ना। और जब दूर जाने, बहुत ही दूर चले गए, तो भैया ठीक है, तुम भले, हम भले, ISD कॉल के रेट बहुत ज़्यादा हैं, समझ गए ना, हम इंडिया भर में बात करके खुश हैं, क्यों भाई साहब, अपनी जेब में पैसे लगा के ऑस्ट्रेलिया फ़ोन ले लगाना है। फोर्स इक्वल टू कितना, जीरो। तो ये हमारी लाइफ का भी ग्राफ है, ये बहुत सम्माननीय ग्राफ है, बहुत अच्छा ग्राफ है ये हमारी लाइफ के एग्जैक्ट पैटर्न को बताता है कि अपनी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस लाइफ में हमेशा मेंटेन करके चलना, हमेशा मजे में रहोगे। अगर उस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को कम करे तो रिपल्शन झेलोगे, और दूर करे तो क्या झेलोगे, अट्रैक्शन झेलोगे, समझ गए ना। तो ये ग्राफ हमको फोर्स के बारे में बताता है। जब मैं रबर को पकड़ करके खींचूंगा, दबाऊंगा तो वो मना करेगा, फिर उस इरेजर को पकड़ करके खींचूंगा तो बोलेगा ना जा ना जा ना जा, फिर और खींचा तो उसने बहुत जोर से प्रयास किया, मगर जब और जोर से खींच दिया तो टूट ही गया, बोला अब तो चले जाओ, अब हमसे कोई मतलब नहीं है, जाओ तुम, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना।
तो ये सारे बिहेवियर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने शुरू करेंगे। इस इतनी सारी चीज़ों को बता के मैंने आपको एक फील लाई है कि इस चैप्टर में ये होने वाला है। तो भैया अब जो फोर्स है, अभी तक आपने पढ़ी रिजिड बॉडी, समझ गए ना, मतलब ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म ना हो, जो क्या हो, डिफॉर्म ना हो, कि जैसे इरेजर में तुमने उंगली घुसाई और इतना वहाँ पे क्या बन गया, गड्ढा, क्रेटर, दब गया इरेजर, बोलो हाँ, है ना, खड्डा बन गया वहाँ पे, बोलो यस नो, ठीक है ना। हमारे गाल में कोई उंगली घुसाएगा तो हमारे गाल जो होंगे अंदर की ओर दब जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि हम रिजिड बॉडी नहीं है। और अब हमें ऐसी ही बॉडी का यहाँ पर अध्ययन करना है, और ऐसी बॉडी जो नहीं है, जो रिजिड नहीं है, उन बॉडी को बोलते हैं हम डिफॉर्मिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग बॉडी, जो बॉडी रिजिड नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। और जो खासकर ब्रिटल नहीं है, कैसी नहीं है, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब मारा हथौड़ा और टूट फूट गई, फूट गई, बोलो है ना, कोयला, कोयले को खींचोगे तो बढ़ेगा कि हथौड़ा मारने पे भूसा हो जाएगा, टूट जाएगा एकदम, बोलो है ना। दो दोस्त पकड़ के कोयले को खींचेंगे तो कोयला टूट जाएगा, लकड़ी टूट जाएगी, ये थोड़ी ना कि लकड़ी खींच के ऐसे हो गई। हाँ, स्टील को खींचोगे स्टील खींचेगा, प्लास्टिक को खींचोगे प्लास्टिक खींचेगा, रबर को खींचोगे रबर खींचेगा। तो ये जो बॉडी है ये इलास्टिक है, क्या है ये, इलास्टिक। और जो देखा खींचने पर भड़ाक से टूट गया वो है प्लास्टिक, क्या है वो, प्लास्टिक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलास्टिक और प्लास्टिक में मतलब क्या है। अभी तक तो आप स्केल को ही प्लास्टिक समझते थे कि जो स्केल है अब वो प्लास्टिक है, मगर स्केल भले प्लास्टिक है मगर स्केल के अंदर भी इलास्टिक है, क्योंकि स्केल आप स्कूल में रखते हैं उसको डर डर डर, यहाँ तक कि उसकी इलास्टिसिटी का उपयोग उसमें आगे कागज लगा करके चौथी बेंच के ऊपर फेंकने में ड्रोन बना के किया जाता है, बोलो हाँ, है ना, वो कागज के उसके ऊपर गोला लगाओ, ये स्किल रखी है। सुनो भाई साहब, ये तो हमने बहुत खेला है, ये एक बड़ी सी किताबें रख दी तीन चार, बोलो हाँ, किताबें रख दी तीन चार अपनी तरफ, सामने की तरफ, और अपनी तरफ करा स्केल अपने पेट की तरफ जहाँ बैठे टेबल में, हाँ है ना, और कागज की बनाई लड्डू और इस स्केल के ऊपर रखा, और नीचे करा स्केल को एक लिमिट तक, और स्टील का है तो फिर क्या बात है, फिर तो सीधे मास्टर साहब के सिर के ऊपर से जाएगा गोला, है ना, और नहीं तो लड्डू बना करके प्लास्टिक के स्केल के ऊपर नीचे खींच करके फेंका तो आगे जा करके तीन बेंच के बाद जा करके वो मिसाइल गिरता है, गिरता कि नहीं गिरता है। तो है स्केल, बना है किसका, प्लास्टिक का, मगर फीचर कौन से देगा, इलास्टिक, क्या देगा, इलास्टिक। तो आज तक जो प्लास्टिक को प्लास्टिक समझते थे और इलास्टिक को इलास्टिक समझते थे, वो प्लास्टिक इलास्टिक अलग अलग बात है। अब जो बिल्कुल थोड़ा सा ही दबाव देते ही टूट जाए, जैसे लकड़ी, बोलो हाँ, है ना, कौन सी लकड़ी, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी के तो धनुष बनाए जाते हैं, समझ गए ना, बांस की लकड़ी के धनुष बनाए जाते हैं, भरपूर इलास्टिक होता है, एकदम सूखी लकड़ी, आम की लकड़ी की तोड़ा और पट्टे से टूट गई, वो है प्योर प्लास्टिक, वो है क्या, प्योर प्लास्टिक। और बाकी जो बॉडी है वो क्या है, इलास्टिक। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। पहला टॉपिक है डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, हिंदी में इसका नाम है विरूपक बल, विरूपक बल, जो आपके रूप को बदल दे उसे बोलते हैं विरूपक बल। डिफॉर्मिंग फोर्स जो आपके स्ट्रक्चर को बदल दे, कॉन्फ़िगरेशन को बदल दे, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे आप हैं वैसे न रह जाएं, मुक्का लगा आपकी फॉर्म बदल गई, समझ में आया। सो सच अ फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग इट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो आपके कॉन्फ़िगरेशन को बदल देता है, समझ गए ना, आपकी आकृति को बदल देता है, आपके शेप को बदल देता है, आपके साइज को बदल देता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो यहां पे दो टर्म आएंगे, एक होगा शेप और एक होगा साइज, समझ गए ना। आजकल मार्केट में बड़ा चलता है बेटा, मार मार के मोर बना देंगे, समझ गए ना, मतलब इंसान के शेप को क्या बना देंगे, मोर बना देंगे। तो भैया मोर बनाने के लिए आपको शेप और साइज तो चेंज करना पड़ेगा, बोलो है ना। तो भैया ये बढ़िया चल रहा है, जो भी चल रहा है इसको बोलते हैं अपन इज कॉल्ड अ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी है क्या, नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है इलास्टिसिटी। डिफॉर्मिंग फोर्स हमने पढ़ लिया है, डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है भाई साहब अपना, इलास्टिसिटी। पहला टॉपिक हमने कर लिया है डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है ना, डन हो चुका है ये, और सेकेंड टॉपिक है इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इलास्टिसिटी क्या है? हम तुम्हें खींच दें, हम तुम्हें खींच दें और तुम वापस रीशेप हो जाओ, अपने पहले जैसे हो जाओ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी. समझ गए ना? इसको आप आज तक समझते थे फ्लेक्सिबिलिटी. क्या सोचते थे? फ्लेक्सिबिलिटी. बड़ा फ्लेक्सिबल है यार, समझ गए ना? बड़ा फ्लेक्सिबल है. और फ्लेक्सिबल का मतलब ये भी होता भाई साहब कि जो जिस सांचे में ढालो उस सांचे में ढल जाए, माउंड हो जाए. यहां माउंड की बात नहीं हो रही, मगर फ्लेक्सिबिलिटी का अंदाजा गलत ना लगा लेना. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि गलत पढ़ाओ तो गलत पढ़ लिया, सही पढ़ाओ तो सही पढ़ लिया, जैसा समझाओ तो वैसा समझ लिया. बोलो है ना, क्लियर हुआ? उसको कान का कच्चा बोलते हैं मुहावरे में, हिंदी में क्या बोलते हैं? कान का कच्चा. जैसा समझाया वैसा समझ लिया, उसको फ्लेक्सिबिलिटी में आएगा. मगर यहाँ पर इलास्टिसिटी अलग है. इलास्टिसिटी मतलब यह है कि जब तक पकड़े रहें तब तक तो सही था, और जैसे छोड़े तो फिर से अपने शेप में आ गए. बोलो हाँ, सब क्लियर है? बेस्ट एग्जांपल कुत्ते की पूंछ, मुहावरा भी है. जब तक पोंगरी में डाले रहो सीधी, और जैसे छोड़ो टेढ़ी. सुना है मुहावरा कि नहीं सुना? ये लाइफ में तो सुना होगा यार, फिर इतना शर्माने की क्या जरूरत है? तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप. ठीक है ना? इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. वो जो डॉगी की पूंछ को तुमने पुंगरी में डाला था, वो डिफॉर्मिंग फोर्स था कि नहीं था? और जैसे ही छोड़ा वो फिर से अपने वही शेप और साइज में आ गया. मैंने तुम्हारे कान को खींचा और जैसे छोड़ा वो फिर से उसी शेप और साइज में आ गया. तो ये क्या है? ये इलास्टिक इफेक्ट है उसका, बॉडी का. ये उसकी इलास्टिसिटी करवाती है. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? मगर ये इलास्टिसिटी फोर्स की हर कंडीशन के लिए जीवित नहीं है, एक लिमिट है. ठीक है ना? एक लिमिट है. हमने किसी छोटे बच्चे को चांटा मारा, एक चांटा मारा छोटे बच्चे को, है ना, 15 मिनट बाद वो फिर भूल के पापा टॉफ़ी. दो चांटा मारा, 15 मिनट बाद फिर भूल के पापा टॉफ़ी. तीन चांटा मारा, 15 मिनट बाद खुद भूल के पापा टॉफ़ी. आप रहे होंगे 5 साल के, कोई 10 झापड़ मार जाए, 20 झापड़ मार जाए, अगले दिन फिर से आपको किसी ने फ्रूटी का डब्बा दिखाया और आप दौड़ते आ गए. उस समय कोई भी कुछ नहीं, क्योंकि आपकी इलास्टिसिटी की सीमा अनंत थी. क्या थी? अनंत थी. और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी इलास्टिसिटी की लिमिट घटती जाती है. बोली हाँ, है ना? तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा रीजन ऑफ इलास्टिसिटी, कि आखिर कोई मटेरियल कब तक इलास्टिक है और कब वो बच्चा इलास्टिक के ऊपर निकल जाएगा, कब वो मटेरियल इलास्टिक के बाहर निकल जाएगा. समझ गए ना? इलास्टिक के बाहर निकला तो उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बन गया. क्या बन गया? प्लास्टिक. प्लास्टिक बन गया. बड़े बढ़िया एग्जांपल के साथ मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा. तो उस लिमिट को जहां तक वो इलास्टिसिटी है, समझ गए ना, उसको आप क्या बोलोगे? इलास्टिक लिमिट. क्या बोलोगे? इलास्टिक लिमिट. छोटे बच्चे की बात बोल बंद कर दो, भूल जाओ. तो आप यदि बड़े बच्चे की बात करें, एडोलसेंट एज की बात की जाए, तो यदि उसमें हम मानते हैं तो उसमें बच्चा अपना मान सम्मान डेवलप कर लेता है, तो 1, 2, 3 तो चलो वो हैंडल कर लेगा. समझ में आ गया? वो भी अपने बहुत खास करीबियों के. मगर उसके ऊपर यदि लिमिट आएगी तो फिर एक घर वाले कहते हैं, भैया कोई असर नहीं होगा, ये नंबर एक का ढीट हो गया है. क्या हो गया? ये ढीट हो गया है. कुटते कुटने का कोई असर इसको होता ही नहीं है, इनके लिए कुटना आम बात हो गई है. समझ गए ना? मतलब वो प्लास्टिक जोन में पहुंचना शुरू हो गए, प्लास्टिक जोन में पहुंचना शुरू हो गए. ठीक है ना? मेरा मतलब समझ रहे हो? एक लेवल होता है कि जब तक वो वापस आएगा, एक लेवल होता है जब तक वो वापस आएगा, उसके बाद वो वापस नहीं आएगा. समझिए इसको. इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स. तुमने एक रबर को खींचा, बोलो हाँ, रबर को खींचा, 1 न्यूटन से खींचा, फिर शेप हो गया. 2 न्यूटन से खींचा, फिर रीशेप हो गया. 3 न्यूटन से खींचा, फिर रीशेप हो गया. समझ गया ना? 5 न्यूटन तक वो रीशेप होने लगा. 6 न्यूटन लगा दिया, थोड़े देर बाद रीशेप हुआ है, मगर हुआ है. समझ में आ गया? वही बात की किसी बच्चे को एक झापड़ मारा, कुछ नहीं बुरा माना, 2 मारा 3 मारा 4 मारा, चौथे तक कुछ नहीं बोला, बिल्कुल मान गया बड़े प्यार से, अरे कोई दिक्कत नहीं. जैसे 5वां लगा तो 1 घंटा मनवा दिया,
एक घंटा मानने में आ गया, मूड इतना खराब हो गया, बोलो हाँ ये सब। छठवा जैसे लगा तो अब बोलता अब तो तुम जा जो करना हो कर लो, हम हो गए ढीठ। आईफोन 14 प्रो मैक्स लेके मानेंगे, समझ गए, नहीं तो खाना पीना बंद। ये क्या कहला गया ढीठ, क्या कहला गया ये, अब जो करना हो कर लो, तुम 14 नहीं 15-50 झापड़ मार दो, वो प्लास्टिक लिमिट में इंटर हो चुका है, उसके अंदर की इलास्टिसिटी खत्म नहीं है, समझ में। तो इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट, फोर्स की वो लिमिट, फोर्स की वो अपर लिमिट डिफॉर्मिंग फोर्स की, अप टू विच डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म कंप्लीटली, समझ गए ना। वो अधिकतम फोर्स जहां तक जो लगाने पर बॉडी अपनी ओरिजिनल फॉर्म रिगेन कर ले, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, समझ में आ गया। और उसके बाद अगर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल स्थिति गेन नहीं करेगी, उसके बाद बॉडी क्या होगी, परमानेंटली डिफॉर्म, परमानेंटली डिफॉर्म। मैं कान को एक लिमिट तक खींचूंगा भाई साहब तो कान तुम्हारे रीसेट रहेंगे, अपने आप सेफ हो जाएंगे। मैंने इस कान को 1200 न्यूटन के फोर्स से खींच दिया, ठीक है ना, कान हमारे हाथ में और हम जेल के अंदर, ठीक है। सो एंड बियॉन्ड विच द डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज द बॉडी लॉसेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड, बॉडी ध्वस्त हो गई, परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, समझ गए ना। हाँ, इसलिए लाइफ में इलास्टिसिटी की बहुत ज़रूरत है, हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इलास्टिसिटी हमारी कभी कभी प्लास्टिसिटी में ना बदल जाए। हमें उसी स्थिति तक दबाव क्रिएट करना है कि जहाँ तक हमारी इलास्टिसिटी मेंटेन रहे और चीज़ें हमारे हाथ में वापस आ सकें, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये लाइफ साइंस भी है भाई साहब, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं, कुछ बॉडी तो भगवान के घर से ही बना करके भेजी गई हैं इलास्टिक, मगर परफेक्टली इलास्टिक कोई बॉडी नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक कोई बॉडी नहीं है, कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। आप जिस रबर को खरीद करके लाए हो पहले दिन अपने बाल में लगाने के लिए, उसको यूज़ करते 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 देखना, उसका छल्ला खुद एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा यूज़ करते करते। अगर रबर बिल्कुल सही होते तो ज़िंदगी भर एक ही रबर का इस्तेमाल होता। बैट की ग्रिप यूज़ करते करते इतनी होती है और बैट की ग्रिप यूज़ करते करते चौड़ी हो जाती है, बोली हाँ है ना, रबर ढीला हो जाता है, बोली ऐसा नो। पेंट के इलास्टिक कमज़ोर हो जाते हैं यूज़ करते करते, नई इलास्टिक डलवानी पड़ती है, डलवानी पड़ती कि नहीं डलवानी पड़ती है, यस। तो भाई साहब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी संसार में कोई नहीं है। और एक चीज़ और है, गेन तो रीशेप तो रीगेन तो बिल्कुल बॉडी करे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, मगर साथ ही साथ नियम क्या है, तत्काल तुरंत, ये भी शर्त है, इमीडिएटली अपने कॉन्फ़िगरेशन को रीअटेन करे। ऐसा कभी हो सकता है क्या, है ना, नहीं हो सकता। तो द बॉडीज विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कम्प्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। एग्जाम्पल, कुछ बॉडी हैं जो बहुत हद तक इलास्टिक हैं मगर परफेक्टली तो नहीं कह सकते भाई साहब, 99% कह लो। एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, एग्जाम्पल क्या है, क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज, एक एलॉय होती है, कई मेटल को मिला के बनाया जाता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज, क्या होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज। चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि दो तरीके की बॉडी होती हैं, इलास्टिक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट के बाद परफेक्ट प्लास्टिक लिमिट हो जाती है, और फिर है ना, अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। अब इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है स्ट्रेस, क्या गया भाई साहब यहां पे, स्ट्रेस। अब दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, स्ट्रेस स्ट्रेन, पहली चीज यहां पर आई है स्ट्रेस। कहते भी हैं जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, टीचर कहते हैं ज्यादा स्ट्रेस मत लो, पेरेंट्स कहते हैं तनाव मत लो। तो स्ट्रेस का हिंदी मीनिंग है तनाव, स्ट्रेस का हिंदी मीनिंग है तनाव। अब ये स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सर आप कहोगे सर ये तो प्रेशर है, बिल्कुल सही बात है, प्रेशर है। एक चीज है, ये ये आपके पास कोई लोहे की या कोई रबर है या कुछ भी है, जो भी मटेरियल है, आपने यहां से फोर्स लगाया,
क्या लगाया आपने? इस एरिया पे लगाया। किस एरिया पे लगाया? क्या डेवलप हुआ इसके ऊपर? प्रेशर डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? कितना प्रेशर डेवलप हुआ? ए एरिया पर लगने वाला फोर्स कितना है? एफ। बोलो हाँ। तो पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स कितना है? एफ अपॉन ए। इसी को बोलते हैं प्रेशर, एफ अपॉन ए। तो याद रखना, प्रेशर कौन डेवलप करता है? एक्सटर्नल फोर्स कौन डेवलप करता है? अब देखो भैया, अब हुआ क्या अंदर? जिस सरफेस पे तुम खड़े हो उसके नीचे भी एटम, ऊपर एटम, नीचे एटम, हर जगह है एटम। बोलो हाँ या ना? जब तुमने इस ऊपर से फोर्स लगाया तो वही बात हुई, ऊपर से फोर्स आया तो इसने कहा, अरे 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 कैसे भैया, कहाँ चले आ रहे हो? हम दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन है, तुम तोड़ के उसको घुसे आ रहे हो, और अगर तुम तोड़ करके घुसोगे तो हम क्या लगाएंगे? फोर्स। क्या लगाएंगे हम? भूल गए ग्राफ, बढ़ता था फोर्स कि नहीं बढ़ता था? ऐसा हाँ है ना? तो भैया ये फोर्स नीचे से लगाना शुरू, बोलो हाँ, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए ये नीचे से भी लगाना शुरू। तो ये जो फोर्स नीचे से लगेगा ये भी बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा टोटल जुड़ करके, और ये जो फोर्स कहलाएगा इसको बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये भी किस पे लग रहा है? इसी एरिया पे लग रहा है। ये भी किस एरिया पे लग रहा है? इसी एरिया पे लग रहा है। तो ए एरिया पर कितना फोर्स लगता है? एफ रीस्टोरिंग। तो यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स एफ अपॉन, सॉरी, एफ 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 रीस्टोरिंग अपॉन कितना? ए। तो ये अंदर से भी एक प्रेशर डेवलप हुआ, मगर अंदरूनी प्रेशर को बोलते हैं क्या? स्ट्रेस। अब याद रखना, दुनिया प्रेशर दे सकती है, दुनिया क्या दे सकती है? प्रेशर दे सकती है, मगर स्ट्रेस आप बनाते हो। स्ट्रेस कौन बनाता है? आपका। स्ट्रेस अंदरूनी है। स्ट्रेस क्या है? अंदरूनी। और दबाव बाहरी है। दबाव क्या है? बाहर वाले दबाव दे सकते हैं, मगर तनाव लेना आपका काम है। तनाव लेना किसका काम है? आपका। समझ में आया? पिताजी ने डांटा, फटकारा, नंबर देख करके, वो बाहर का प्रेशर है। वो बाहर का क्या है? प्रेशर। आप डिमोटिवेट हो गए, बैठ गए, जिंदगी खत्म कर लूंगा मैं, चला जाऊंगा घर छोड़ करके, कुछ नहीं है ये, समझ गए ना, कोई मुझे समझता ही नहीं है। ये क्या है? ये है स्ट्रेस। क्या है ये? स्ट्रेस। ये उनके फोर्स के प्रति आपका बॉडी का एक एटॉमिक व्यवहार है, जो होना ही है, होता ही है, सबको होता है, समझ गए ना। उन्होंने आपकी एटॉमिक व्यवस्था को छेड़ा है तो आपकी बॉडी उसका विरोध तो करेगी ना भाई, सबकी करेगी। बोलो हाँ। तो ये है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। बोलो आया समझ में ना। और जितना बाहर वाला फोर्स बढ़ेगा उतने अंदर से दम से बढ़ेगा। बोलो हाँ है ना। तो अंदर वाला भी तो उतना जोर से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मतलब कुल मिला के बाहर वाले का प्रभाव अंदर वाला भी उतनी गति से दिखाएगा। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा तो बाहर वाला फोर्स, अंदर वाला फोर्स भी बढ़ेगा, और स्ट्रेस भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब आई बात मेरी समझ में? क्लियर हो गया ना। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म बॉडी, ऑफ अ डिफॉर्म बॉडी, जिसके ऊपर बैंड बजा दी गई है, जिस बॉडी की, उसके इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। भैया फोर्स किसमें नापते हो? न्यूटन। एरिया किसमें? मीटर स्क्वायर। तो आंसर यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। तब मैं बोलता था बस हाथ मिला लो इनसे, स्ट्रेस से। अब आ गया भाई साहब स्ट्रेस, कि स्ट्रेस की यूनिट होती है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब फोर्स की और स्ट्रेस की यूनिट दोनों की क्या होती है? बराबर। समझ गए? एंड डायमेंशन फार्मूला एम एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। क्लियर? स्ट्रेस इज ए कौन सी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। क्योंकि प्रेशर भैया हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैंने बताया था। प्रेशर भी कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। क्योंकि हर जगह प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर हुआ ना? इसलिए स्ट्रेस भी कौन सी क्वांटिटी है? न वेक्टर न स्केलर, ये कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। बोलो आया समझ में? अब ये बात आ गई स्ट्रेस। अब स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेस। कैसा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस। अगर मैं
आपको दी जाने वाली पीड़ा आपके सतह के परपेंडिकुलर लगाऊं। बोलो हाँ, है ना। तो ऐसी स्ट्रेस दो हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी स्ट्रेस क्या है? दो हैं। तो सतह के परपेंडिकुलर स्ट्रेस लगाने के तरीके, जैसे तुम्हारा कान है या तुम्हारी नाक है, तुम्हारे कान को या तो मैं पकड़ के बाहर की ओर खींचूंगा तो तुम्हारे कान में क्या आएगा? खिंचाव आएगा। क्या आएगा कान में? और कान लंबे हो जाएंगे। बोलो हाँ, है ना, हो जाएंगे ना। तो इसको बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलोगे? मगर कान खींचने के लिए तुम्हारी सतह के साथ एंगल कितनी डिग्री है? 90 तो है। तो ये नॉर्मल का ही टाइप, किसका टाइप है? तो नॉर्मल का पहला टाइप टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा, तुम्हारे कान को मैं दबाऊं परपेंडिकुलरली अंदर की ओर। बोलो हाँ, है ना। जैसे उंगली है तुम्हारी, तो उंगली पकड़ के या तो ऐसे खींचूं तो भी सजा, और उंगली पकड़ के ऐसे सीधे परपेंडिकुलर स्टेट में दबाऊं तो भी सजा। बोलो हाँ। अब दोनों के समय समय उंगली से एंगल कितने डिग्री बन रहा? 90 डिग्री। तो ये दबाया तो भी 90, खींचा तो भी 90, तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? तो ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। और खींचा तो टेंसाइल स्ट्रेस, और जब दबाया तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ में आया? तो जब अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर होता है एरिया के, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप होते हैं, एक अगर खिंचाओ तो टेंसाइल, और दबाओ तो कंप्रेसिव। इफ देयर इंक्रीज इन लेंथ, कान खिंच गए लंबे हो गए तो क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। कान सिकुड़ गए छोटे हो गए तो कौन सा स्ट्रेस है? कंप्रेसिव। आ रहा समझ में? दूसरा स्ट्रेस है टेंजेंशियल। क्या है दूसरा? दो प्रकार के स्ट्रेस है, पहला है नॉर्मल, और नॉर्मल के दो तरीके, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लगाए तो दो तरीके। बोलो हाँ। तीसरा स्ट्रेस है टेंजेंशियल, मरोड़ूंगा कान, कान को घुमाऊंगा, कष्ट देना है तो क्या करूंगा? कान को घुमाऊंगा, मतलब एक्चुअल पोजीशन ये थी किसी चीज की, अब मैंने क्या किया? मैंने उसकी सतह को उसकी एक्चुअल पोजीशन से घुमाना शुरू किया, थीटा एंगल पे तुम्हारा कान घुमा दिया, ले घुमाया तो कान ये था और घूम करके कहाँ आ गया? ये मतलब अपनी ओरिजिनल स्टेट से मैटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे मटेरियल के पार्टिकल? अरे जल्दी जाने दो वापस, दिक्कत हो रही भाई, हमारी मीन पोजीशन ये है और तुम हमको मीन पोजीशन से खींच के ले आए हो यहाँ यहाँ, हे भगवान कितना पाप कर रहे हो, अरे वापस जान दो भाई, कष्ट हो रहा है, हमारे इक्विलिब्रियम तुमने भंग कर दिया है, है ना, इसलिए कष्ट होता है। क्लियर हुआ ना? इसको ऐसे कर सकते हो, रबर को रख दो नीचे की फेस में, फेविक्विक चिपका दो और अब ऊपर से चपेट मारो तो रबर का अगला हिस्सा आगे हो जाएगा, नीचे का हिस्सा फेविक्विक से चपका रहेगा। बोलो हाँ, है ना, क्लियर या सुनो? तो अगले हिस्से के और पिछले हिस्से की फेस में एक एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं नीटा, सॉरी फाई। क्या बोलते हैं? फाई। इसको बोलते हैं शेयरिंग एंगल। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? शेयरिंग एंगल। ये एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? स्ट्रेस होगा, और ये स्ट्रेस कहलाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर हुआ? टेंजेंशियल स्ट्रेस इज डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली, सतह के ऊपर लगाया जाता है टेंजेंशियली, चपेट चपेट लग गई, खराश आ गई, है ना, देन स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइए, ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कौन सा कर्व है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन पहले जानना जरूरी, उसके बाद कर्व समझ में आएगा। स्ट्रेन क्या है पहले ये जान लो भाई। ये कोई चेन लटकी हुई थी, जिस मटेरियल की मानना हो मान लो, लोहे की, आयरन की, जो भी मान लो मान लो, ठीक, लटकी हुई थी, ये कुंदा निकला हुआ था, तुम बल भर पकड़ के इसको लटक गए, बहुत मजबूत नहीं थी, बल भर पकड़ के इसको लटक गए, ये खिंच गई थोड़ी सी, क्या हो गई? ये खिंच गई। खिंच गई कि नहीं खिंच गई? इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल। बोलो हाँ। चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल। बोलो हाँ, है ना। तो मैं बोलूंगा कि एल लेंथ की चेन में कितना चेंज आया है? डेल्टा एल। तो यूनिट लेंथ में कितना चेंज आएगा? डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज पर यूनिट लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट, यूनिट लेंथ में जो जितना चेंज आता है वो आती कहलाती है स्ट्रेन। क्या कहलाती है? स्ट्रेन। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हो सकता है किसी में ज्यादा चेंज आए,
जो ज़्यादा इंसान फ्लेक्सिबल है वो थोड़ी बात में उसमें चेंज ज़्यादा आ जाता है, तो मटेरियल भी ऐसे हैं, किसी में ज़्यादा चेंज आ जाएगा किसी में कम चेंज आ जाएगा। बोलो हाँ। चुइंगम जब चिघल लेते हैं और खींचते हैं तो पकड़ के थोड़ा सा फोर्स लगाया वो ऐसा सरपट खींचता जाता है कि पूछो मत। हाँ है ना, तो थोड़े से फोर्स में उसमें चेंज आता, बहुत सारा कि नहीं आता। तो इसको बोलते हैं, इसको ये जो टर्म आ रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ बस में नहीं, अगर एरिया की बात करोगे तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। छेड़छाड़ हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेंथ के साथ, एरिया के साथ, वॉल्यूम के साथ। बोलो हाँ। खली को देखा है? खली को, खली महाबली WWE में, नहीं जानते हो? सुपरस्टार खली को जानते हो? उसका मूव क्या है, फेमस मूव, ये सिर पकड़ के उसको तरबूज जैसे दबा देता है, उसको स्क्वीज कर देता है पकड़ के। हाँ है ना, हाँ है ना। तुम पकड़ के स्माइली बॉल को इसमें रखो और दबा दोगे तो स्माइली बॉल का वॉल्यूम जो इतना बड़ा होगा तुम्हारी हथेली में वो छोटा सा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? तो किस में चेंज आया? वॉल्यूम में। किस में चेंज आया? वॉल्यूम में। तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, ये फाइनल वॉल्यूम था, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वी, तो ये कहलाएगा, ये भी स्ट्रेन है, मगर इसका नाम बदल जाएगा। जब तुम वॉल्यूम में चेंज करोगे तो इसका नाम होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब तुम लंबाई में परिवर्तन करे हो, अभी जो जैसे चेंज करे हो, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन? समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर हुआ? और जब तुम वो चपेट मारोगे अपने हाथ की सरफेस को रख करके, एक सरफेस को रखो अपने हाथ को, ठीक ना, और हम क्या करेंगे, चपेट मार दिए तो नीचे की लेयर नीचे और ऊपर की लेयर आगे। हाँ है ना। तो ये जो स्ट्रेन कहलाएगी उसका नाम होगा शेयरिंग स्ट्रेन। क्या नाम होगा? शेयरिंग स्ट्रेन। समझ में आया? शेयरिंग स्ट्रेन का ये एंगल से दिया जाता, फाई से। किससे दिया जाता है? फाई से। तो बात करते हैं बच्चों स्ट्रेन की। व्हाट इज स्ट्रेन? द फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। देखो क्या लिखा है, फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। स्वादानुसार लेंथ हो तो डेल्टा एल अपॉन एल, फ्रैक्शन लग गया। अगर एरिया हो तो डेल्टा ए अपॉन ए, अगर वॉल्यूम हो तो डेल्टा वी अपॉन वी, और अगर एंगल हो तो एंगल थीटा फाई, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू होता है आर का अपॉन रेडियस एल बाई आर, तो खुद ही रेशियो है ये, तो इसमें समाहित हो गया एल बाई आर में। सो द फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखना भाई साहब, स्वाद अनुसार है, जो रखना हो रख लेना, जहां जैसी चीज आए। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन इज थ्री टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन शेयरिंग स्ट्रेन। व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन? जो एंगल बनता है, जो क्या बनता है, एंगल। रबर को फंसाया, नीचे फेविक्विक लगाया और ऊपर से रबर की सतह में चपेट मारी, तो ये वाली चीज यहां पहुंच गई और ये वाला फेस कहां पहुंच गया, यहां। तो इस समय जो एंगल बना है नॉर्मल के साथ, ये एंगल, ये जो एंगल फाई है, इसे क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, शेयरिंग स्ट्रेन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स सरफेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स सरफेस। ये फिक्स सरफेस है, ये इसका परपेंडिकुलर प्लेन है। बोलो हाँ। अब इससे जो सतह थी आगे वाली यहां चली गई थी, तो आगे वाली सतह का इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। समझ में आया? तो लिख दो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स सरफेस। लिख लोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत? अब आइए देखते हैं कि कैसे बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। बोलो हाँ। देखो भाई साहब, एक मटेरियल है, मटेरियल की जगह मैं बच्चा ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? बच्चा। तुम्हारा कान है वो मटेरियल है, और मैं उसकी तुलना कर रहा हूँ एक 15 साल 16 साल के बच्चे से। बोलो हाँ। ये देखो, ये पहली लिमिट है फोर्स की, इधर स्ट्रेस लग रहा है, इधर स्ट्रेन आ रही है। तुमने उसको खींचा, बच्चे को पीटना शुरू कर, फोर्स बढ़ा 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 बढ़ा। बोलो आए ना, ठीक है ना। कोई भी बच्चा है, छोटा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा, ये फोर्स लगाया, एक एक झापड़, दो झापड़, तीन झापड़, चार झापड़, पांच झापड़। बोलो आए ना। अभी तक जैसे उसको मारते हो, एक घंटा बाद या तुरंत वो नॉर्मल हो जाता है। एक हाथ पे झापड़, एक हाथ पे टॉफी, कूटते जाओ और फिर बोलोगे लगा, बोले नहीं लगा, और तुम उसको एक टॉफी दे दो, नहीं लगा,
छह झापड़ तक उसने ऐसा किया, 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ है ना। और छह झापड़ तक उसको जैसे मटेरियल को आपने खींचते गए, तो ऐसे मैं कान को भी खींचते गया, खींचते गया, खींचते गया, खींचते गया, छह झापड़ तक मैं खींचते गया और छोड़ा जैसे, तो फिर से छठवें झापड़ में भी कान फट से रीशेप हो गया। मतलब फोर्स, मतलब स्ट्रेस लगाने का कोई फर्क नहीं आया, फिर से रीशेप हो गया। तो बेटा इस लिमिट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? इस लिमिट में स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस का नंबर नाम क्या है, सिंबल क्या है, सिग्मा, और स्ट्रेन का सिंगल क्या है, एप्सिलॉन। क्या नाम है? एप्सिलॉन। मगर दुनिया के लोग, हम लोग सीधे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिखेंगे। स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा और स्ट्रेन का सिंबल होता है एप्सिलॉन। बराबर होते हैं, बिल्कुल प्रोपोर्शनल होते हैं, बोलो हाँ। अभी तक मटेरियल बिल्कुल वापस आ गया। अब प्रोपोर्शनल लिमिट के ऊपर, अब प्रोपोर्शनल लिमिट के ऊपर है ना, मैंने कान को खींच दिया और जोर से छह झापड़ के ऊपर मैंने बच्चे को सौंट दिया, बोलो हाँ है ना, क्लियर हुआ। अब मैंने देखो, अब यहां से यहां तक देखो, ये देखो स्ट्रेस कितना बढ़ा है, रेड कलर से दिखाऊंगा भाई साहब, स्ट्रेस इतना बढ़ा है, बढ़ा है। स्ट्रेन देखो, बोलो हाँ, जो तुरंत आ रहा था छठ, तुरंत सेट होते थे स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, अब देखो यहां पर बिहेवियर बदल गया है, बदल गया ना कि नहीं बदला है, बदल गया। देखो स्ट्रेन बढ़ गई, स्ट्रेस कम हो गया, हाँ है ना। मतलब मैंने खिंचाव दिया है तो कम खिंचाव पे ज्यादा खिंच गया है, स्ट्रेस कम लगाया है, दम कम लगाया है, मगर ये ज्यादा हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ है, वार्निंग आ गई। क्या गई? वार्निंग। फिर भी थोड़े देर के बाद ये वापस आ गया, क्या गया थोड़ी देर के बाद, वापस आ गया। पहला पॉइंट जो बना, पहला पॉइंट जो बना उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं? दूसरा पॉइंट जो वार्निंग का साइन आया उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। क्या आया? कि बहाव आया और उसके बाद सीख जाओ, मतलब अगला जो छठवा झापड़ था उसमें वार्निंग आ गई कि लिया टॉफी तो लिया है मगर एक घंटा रुक करके लिया है बच्चा टॉफी, समझ गए। ये टॉफी और मटेरियल दोनों अलग रखना, और एग्जाम में टॉफी ना लिखे आना, एग्जाम में मटेरियल की बात लिखना है, ये तो टॉफी वाले से प्रयास कर रहा हूँ, बोलो हाँ है ना। यील्ड स्ट्रेंथ आ गई, अब भाई साहब अब कुछ नहीं होने वाला है, अब शुरू हो गई प्लास्टिक रीजन, समझ गए। जैसे अगला उसको आपने खींचा कान को, बोलो, अब कान कभी भी किसी स्थिति में वापस जाने वाला नहीं है, बाहर ही खींचना शुरू हो गया, कान बाहर निकलने शुरू हो गए, समझ गए ना। एटम ने चिंता छोड़ दी, एटम अब दूर होने लग गया, परमानेंट सेट होने लगे, जहां खींच दिया मॉलिक्यूल को वहीं के वहीं सेट हो गए। अब ये हो गया, अब आप जो है फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, फोर्स बढ़ाते गए, प्लास्टिक रीजन आ गया, बोलो हाँ है ना, प्लास्टिक रीजन आ गया। फिर प्लास्टिक रीजन शुरू हो गया, फिर इस तरीके से देखो आप स्ट्रेस बढ़ाते गए तो इररेगुलर रूप से स्ट्रेन भी क्या होता गया, बढ़ता गया, क्या होता गया, बढ़ता गया। एक हाई लेवल तक आपने स्ट्रेस बढ़ाया, हाई लेवल तक आपने स्ट्रेस बढ़ाया, वहां तक आपने खींचा, लास्ट में एक पॉइंट मिला जिस पर टक की आवाज आई, अब आप समझ गए कि गया कान, अलग हो गया। तो वो जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और ये प्लास्टिक रीजन में ही आएगा भाई साहब, समझ गए ना। इलास्टिक में रीसेट हो गया है, खींच करके वापस आ गया है, मगर यहां पर ये रीसेट नहीं हुआ है, नो रीसेट, ये जो चल रहा है ब्लू वाला इसमें कोई रीसेट नहीं है। और फिर इसके आगे फिर वो अपने आप फ्लो होने लग गया, क्या हो गया अपने आप, मतलब बिना फोर्स लगाए। देखो यहां देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये देखो ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ये देखो ना, स्ट्रेस कम हो रही है कि नहीं हो रही है, स्ट्रेस कम हो रही है मगर स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। मतलब वो स्थिति है कि अब आपने च्युइंगम को खींच दिया ऐसे, अब आप बढ़ा नहीं रहे हो मगर च्युइंगम अपने लोड के कारण खुद ही बेचारा पानी पानी जैसा बह करके टूट के फ्लो होके गिर रहा है, यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब संकेत आ चुका है कि इसका फ्रैक्चर होने वाला है, क्या होने वाला है, और एक पॉइंट पे जा करके ये टूट गया मटेरियल, क्या हो गया मटेरियल, इतना जोर से उसको खींच दिया कि वो फ्लो होते हुए टूट गया।
ये आपको प्लास्टिक की चीज़ों में देखने को मिलेगा जो पतली हो। आप पन्नी में एक्सपेरिमेंट पकड़ के कर सकते हैं, पन्नी को पकड़िए फिर खींचिए, फिर देखिए बेचारी पतली हो जाएगी, फिर अपने आप लचर हो जाएगी, फ्लो होना शुरू कर देगी। एक समय आपको लगेगा नहीं कि आप फोर्स लगा रहे हो, और फिर वो अपने आप फ्लो होना शुरू कर देगी और फिर वो पट्टे से टूट जाएगी। मगर एक समय रहा होगा जिस समय आपने बहुत जोर का फोर्स लगाया उसको तोड़ने के लिए, वो आपकी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, मगर वो भी प्लास्टिक रीजन में होती है, समझ गए ना। वो उस समय आती है जिस समय आप वापस उसको रीसेट नहीं कर सकते हो। बोलो ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, जोर से बोलो। आ गया ना अच्छे से, कॉन्फिडेंट हो। तो भैया ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हुक्स रीजन। क्या बोलते हैं इसको? हुक्स रीजन। समझ में आ गया। और इसी रीजन में हमारी पूरी इलास्टिसिटी हमको खेलनी है। हुक्स रीजन में ये लगा स्ट्रेस और ये लगा स्ट्रेन। तो हुक्स रीजन में आपने देखा कि जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी वैसे स्ट्रेन बढ़ेगी, समझ गए ना। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ कब लगता है? विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। विद इन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर भैया हुक्स लॉ लगने वाला है। तो आइए हम पढ़ते हैं, विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, वही प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यस और नो? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जोर से बोलो भाई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू कॉन्स्टेंट ई, कोफिशियंट ई मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन। हियर ई इज कॉल्ड स्ट्रेन है बेटा जी ये। हियर ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आ गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपने देखा भैया कि स्ट्रेस दो टाइप के थे। स्ट्रेस कितने टाइप के? दो टाइप के थे। एक था नॉर्मल स्ट्रेस और एक था टेंजेंशियल स्ट्रेस। बोलिए सुनू। तो नॉर्मल स्ट्रेस में यदि आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो दो टाइप के आपके बनते हैं इलास्टिसिटी के मॉडुलस या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दो टाइप के बनते हैं। उन दो टाइप के मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, देखिएगा उन दो टाइप के नाम क्या है। अगर आप परपेंडिकुलरली फोर्स लगाओगे तो दो टाइप के इलास्टिसिटी मॉडुलस बनेंगे, जो आपने देखा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये देखना आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यदि आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई बोलते हैं, तो ई के मैं टाइप लिख रहा हूं, ई के मैं टाइप लिख रहा हूं। पहला टाइप है ई का यंग मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस? दूसरा है बल्क मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस? बल्क मॉडुलस। ये कब लगेगा? जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, समझ गए। कैसा कान खींचोगे? या तो ऐसा या तो ऐसा, परपेंडिकुलर। बोलो हाँ या ना? तब लगेगा यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस। तीसरा, अगर आप कान को मड़ोरोगे या आप शेयरिंग स्ट्रेन दोगे तो यहां पर तीसरा मॉडुलस लगता है जिसका नाम है, बोलो, शेयर मॉडुलस। बोलो यार, शेयर मॉडुलस। और उसी का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या नाम है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो तीन प्रकार के मॉडुलस हम पढ़ने वाले हैं। बोलो कौन सा मॉडुलस? यंग मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस? यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस कब लगेगा? यंग मॉडुलस तब लगेगा जब हम दो प्रकार के स्ट्रेस लगाएंगे, या तो टेंजेंशियल स्ट्रेस या तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? टेंजेंशियल या कंप्रेसिव। और क्या करेंगे? लेंथ बदलेगी। क्या बदलेगी? लेंथ। तो यंग मॉडुलस लेंथ बदलने में लगेगा, मतलब जब डेल्टा एल होगा। बोलो हाँ। फिर बल्क मॉडुलस कब लगेगा? जब आप स्माइली बॉल को स्क्वीज करोगे, दबाओगे या रिलैक्स करोगे तो बल्क मॉडुलस लगेगा। इसको बीटा से शो करोगे बल्क मॉडुलस को। तो बल्क मॉडुलस में क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। क्या चेंज होगा? तो लेंथ चेंज होगी तो बोलो यंग मॉडुलस। बोलो लेंथ चेंज होगी तो कौन सा? वॉल्यूम चेंज होगा तो कौन सा? बोलो हाँ। और अगर एंगल चेंज होगा तो कौन सा मॉडुलस? शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ। तो तीन प्रकार के मॉडुलस हमको पढ़ने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला कौन सा? यंग मॉडुलस। पहला कौन सा? यंग मॉडुलस कब लगेगा? बोलो जब क्या चेंज होगी? लेंथ। क्या चेंज होगी? हाँ। दूसरा मॉडुलस कौन सा पढ़ना है? ये कब चेंज होगा? जब क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। और तीसरा मॉडुलस कौन सा पढ़ना है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये कब लगेगा? जब क्या चेंज होगा? एंगल। क्या चेंज होगा?
एंगल या टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेगा। समझ में आ गया? तो तीनों प्रकार के मॉडुलस को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है। ई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बोलो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बस आपको नाम के आगे जोड़ते जाना है। सबसे पहले आते हैं यंग मॉडुलस में। बोलो यंग मॉडुलस में कौन सा स्ट्रेस? गलत, यंग स्ट्रेस नाम का कुछ होता ही नहीं है। यंग मॉडुलस में कौन सा स्ट्रेस, ये या ये? नॉर्मल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप, या तो टेंजेंशियल या तो लॉन्गिट्यूडनल या तो कंप्रेसिव। नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप पढ़े थे ना अपन ने, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल बोल गया, टेंसाइल या कंप्रेसिव। टेंसाइल या कंप्रेसिव, दोनों के लिए कौन सा मॉडुलस लगेगा? यंग। क्या लगेगा? यंग मॉडुलस। समझ में आया? कहा हुआ दुखी होगा क्या इतना कान खींचे तुम्हारा, बता देना भाई। नहीं बोले आज तो जितना का पढ़ाया नहीं उतने का कान खींच लिए यार। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझाते। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या तो लंबाई बढ़ेगी या तो लंबाई घटेगी। तो नॉर्मल स्ट्रेस या तो खींचेगा या तो धक्का देगा, या तो खींचेगा या तो दबाएगा, समझ गया, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्लियर ना? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर की नॉट क्लियर? चलो भाई लगाते हैं फॉर्मूला। नॉर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला, यंग मॉडुलस वाई इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस बताया था फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन कितना एल, ऊपर एल आएगा, एफ इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये है फॉर्मूला वाई का। एफ फॉर्मूला किसका है? वाई का, यंग मॉडुलस का। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? अब तुम कहोगे सर ये एम जी काहे को हो गया? अरे भैया कोई तार अगर अपने आप वेट के कारण नीचे गिर रही है तो उसका बोलो फोर्स कितना लगेगा? एम जी इंटू कितना एल, एम जी इंटू एल अपॉन ए। तार का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? सर्कुलर होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या? डेल्टा एल। ये थोड़ा गलत हो गया बेटा, है ना? हाँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना? एफ डेल्टा एल ऊपर आएगा, एफ डेल्टा एल। नहीं नहीं गलत लिखा, ये बिल्कुल गलत लिखा है, मेरा वाला सही जो मैंने आपको लिखा। ठीक है बेटा, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। भाई डेल्टा एल अपॉन एल होता है तो कहाँ से डेल्टा एल ऊपर चला जाएगा। ठीक है चलो, खैर आगे बढ़ते हैं। अगला बोलो बल्क मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस? बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस में कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस। कहाँ टेंजेंशियल यार, बल्क चल रहा है ना, है ना, गेंद को दबाना है। तो बल्क मॉडुलस में कौन सा स्ट्रेस और कौन सी स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक। तो के से डिनोट करते हैं या बीटा से डिनोट करते हैं? हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस बोलो फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। भाई बॉल को दबाया, एरिया ए पे दबाया, फोर्स एफ से, बोलो हाँ, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बोलो एफ इंटू वी, बोलो एफ इंटू वी अपॉन ए डेल्टा वी। देखो एफ इंटू वी अपॉन ए डेल्टा वी, फोर्स अपॉन एरिया जो बनेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर। क्या बोल सकते हैं? प्रेशर। तो पी वी अपॉन डेल्टा वी, क्योंकि गैस के केस में, जब वॉल्यूम के केस में फोर्स अपॉन एरिया जो चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर। क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो इन लोगों ने डेल्टा पी रख दिया, इसकी जगह क्या रख दिया? डेल्टा पी इसकी जगह, समझ गए ना? तो ये देखो पी वी अपॉन डेल्टा वी, मैंने पी बनाया था पहले, तो पी वी अपॉन डेल्टा वी। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? लास्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आंसर वही, बोलो कैसा स्ट्रेस लगेगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस। कैसी स्ट्रेन बनेगी? शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, समझ गया ना? शेयरिंग स्ट्रेन को किस में नापते हैं? एंगल में नापते हैं। किस में नापते हैं बेटा? एंगल में, समझ गया ना? तो कैसे एंगल नापेगा? मान लो ये मेन सरफेस थी और ये खिंच करके यहां आ गई, तो ये वाला एंगल बनेगा। बोलो हाँ, एंगल का फॉर्मूला, बोलो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन, तो इसका आर्क यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो डेल्टा एल बन जाएगा आर्क, डेल्टा एल बन जाएगा आर्क। और ये सरफेस क्या बन जाएगी? इसकी रेडियस, क्योंकि यही तो खसक करके गई है यहाँ, तो ये भी एल और ये भी एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल। मगर लेंथ ना समझना है इसको, ये मीनिंग अलग चीज है, समझ गए? तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बन गया? मॉडुलस ऑफ। अब अगला टॉपिक आता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। बेटा बल्क मॉडुलस के अपोरेसी प्रोकल को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आ गया? के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम? कंप्रेसिबिलिटी। बोलो किसका रेसिप्रोकल होता है? के का। के कौन है? बल्क मॉडुलस। के कौन है? पिछले साल क्वेश्चन आया कि अगर कोई बॉडी इनकंप्रेसिबल है, क्या है? तो
उसकी सॉरी अगर कोई बॉडी इनकम्प्रेसिबल है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी निकालो, समझ गए? कोई प्लास्टिक बॉडी है इनकम्प्रेसिबल है, लियो भैया, तो अगर कोई बॉडी जो है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जिसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है, जिसको आपने बिल्कुल दबाया बाया नहीं है, है ना, तो ऐसा कहा था कुछ कैसा कह के गया था, समझो के की वैल्यू जीरो पुट कर दो, क्या कर दो, के की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी इंफिनिटी। हाँ सॉरी क्वेश्चन याद आ गया, कह रहा था अगर बल्क मॉडुलस किसी बॉडी का जीरो है, बल्क मॉडुलस क्या है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी होगी, तो बल्क मॉडुलस की जगह क्या रख दोगे, जीरो रख दोगे, बोलो कंप्रेसिबिलिटी वन अपॉन बल्क मॉडुलस होती कितनी आएगी, इनफाइनाइट, समझ गए। और ऐसे ये भी निकाल सकते हो कि अगर कंप्रेसिबिलिटी दी है तो बल्क मॉडुलस भी निकाल लो, देख लो अगर कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू वन अपॉन के, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। अब क्वेश्चन इस बार आ गया, बोल दिया किसी बॉडी की कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, जीरो, तो बताओ बल्क मॉडुलस कितना होगा, तो वन अपॉन इतना कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो इसको यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे शो करते हैं, नीटा से, किससे शो करते हैं, नीटा से, बताना भूल गया था, देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को नीटा से शो करते हैं। ओके क्लियर है सब कुछ बच्चों, एनी कोई डाउट यहाँ पे? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स फॉर विच इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। याद करो, बच्चे को सातवां झापड़ मारा था तो मान तो गया था मगर एक लाइन के बाद, बोलो हाँ, तो इस समय जो फोर्स लगा है अधिकतम, क्योंकि आया तो है वापस थोड़ी देर के बाद, तो इस समय जो फोर्स है वो क्या है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ या ना, खतरे की घंटी, क्लियर हो गया, तो इसको बोलते हैं क्या, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। डन की नॉट डन, भूल गए? ब्रेकिंग स्ट्रेस, एक जगह पे देखा था आपने वो टक की आवाज आई थी, बोलो हाँ या ना, है ना, और फिर इसके बाद ये टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए वायर, किसी को तोड़ने के लिए जो कम से कम, बोलो हाँ, तो ब्रेक करने के लिए जो स्ट्रेस लगी थी यहां पर जो टूटा था, हाँ है ना, टूट तो ये इसी पॉइंट पे गया था, टूट गया था ना। अब कोई मर रहा है मान लो 20 न्यूटन पे, अब तुम 40 न्यूटन पे लगाओगे तो क्या वो नहीं मरेगा, मर तो वो 20 ही में चुका होगा ना, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। अब 40 का लगा के कर क्या लोगे, इसीलिए टर्म लिखा है, बोलो क्या लिखा है, बोलो क्या लिखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए वायर इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ए फिक्स फॉर मटेरियल बट वेरीज विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द वायर। मटेरियल का फिक्स होता है मगर वायर को मोटा पतला बना करके ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग अलग होती है। टीवी में एडवर्टाइज आता है TNT अंबा सरिया आपके घर की मजबूत ढाल, हाँ या ना, TNT सरिया, बांगर सरिया, काम धेनु सरिया आता है ना, क्लियर है? और देखा होगा जब वो बनता है, ब्रिज बनता है तो मोटे वाले सरिये डलते हैं, बोलो हाँ, घर बनता है तो पतले वाले, है ना, छत में पतले वाले और बीम कॉलम में बड़े वाले, है ना, अभी बनता घर देखा नहीं, देखा कोई बात नहीं, तो इसको ये तय करता है, ये इसकी मोटाई तय करती है कि कितना बड़ा ब्रिज बनेगा, कितनी मोटी बिल्डिंग बनेगी, समझ गए बेटा? तो वो सब अब आप लोग अगर सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि मोटा सरिया और पतला सरिया कहाँ कैसा लगाते हैं और उससे कैसे वेट तय करते हैं, ठीक है ना। जहाँ बड़े शहरों में जाते होगे देखोगे ओवर ब्रिज बनते हैं, बड़े बड़े छत के ऊपर से निकल जाती हैं गाड़ियाँ, हाँ या ना, तो वो उनमें क्या लगते हैं, बड़े वाले मोटे वाले सरिए। एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो चलिए छोड़िए, ये हमारा हो चुका है, अब हम आगे इसके कल करेंगे क्लास, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है ना, डन।